Hello friends, welcome back to my channel. Today our topic on PAN, that is personal area network. Before starting this topic, we will discuss about computer networking. Computer networking, in which a group of computers that are linked to each other, that are communicates to each other and share resources like software, hardware, etc. That is computer networking. Type of network. Types of network mainly are four types, that is local area network, metropolitan area network, wide area network and पर्सनल एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया नेटवर्क क्या था? विद इन द बिल्डिंग. विद इन द बिल्डिंग जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपस में, कम्युनिकेट करने के लिए कोई जो भी नेटवर्क का यूज कर रहे हैं, उस नेटवर्क को हम क्या बोलते थे? लोकल एरिया नेटवर्क. जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर जो कम्युनिकेट आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जो नेटवर्क यूज कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क. अभी हम क्या है, बिल्डिंग से निकल के बाहर आ गए, बिल्डिंग से बाहर निकल के हम सिटी में आ गए. पूरी सिटी के नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. मान लीजिए कोई स्कूल है, उसने अपने नंबर ऑफ ब्रांचेस की सिटीज में खोल रखी है, तो उन नंबर ऑफ ब्रांचेस को कनेक्ट करने के लिए उसने एक नेटवर्क का यूज किया, जिसको क्या बोलेंगे हम? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. कोई हॉस्पिटल है, उसने नंबर ऑफ हॉस्पिटल ब्रांचेस से कनेक्ट करने के लिए क्या बोला? विद इन द सिटी, एक सिटी के अंदर ही, तो उस सिटी को क्या बोलेंगे हम? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. अब सिटी से बाहर निकलेंगे तो नंबर ऑफ सिटीज बोल सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स बोल सकते हैं, नंबर ऑफ कंट्री बोल सकते हैं, नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट बोल सकते हैं, तो पूरे वर्ल्ड के नेटवर्क को क्या बोलेंगे हम? वाइड एरिया नेटवर्क. जिसमें क्या होगा? नंबर ऑफ नेटवर्क लैन होंगे, नंबर ऑफ मैन होंगे, उन सबको मिला के कम्बिनेशन को क्या बोलेंगे हम? वाइड एरिया नेटवर्क. और आज का टॉपिक है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें डिस्कस कर रखा है, और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो. ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का नेटवर्क, आज का टॉपिक पर्सनल एरिया नेटवर्क. पैन. व्हाट इज पैन? पर्सनल एरिया नेटवर्क. पर्सनल एरिया नेटवर्क है क्या? पर्सनल एरिया नेटवर्क को हम बोलते हैं पर्सनल टू ए यूजर. यूजर का पर्सनल नेटवर्क है. जैसे हम, अब मोबाइल है हमारा, जो मोबाइल है हमने उसको ईयरबड से कनेक्ट किया, तो एक ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया उसको ईयरबड से, तो वो मोबाइल हमारा क्या है? एक पर्सनल नेटवर्क बन गया, पैन नेटवर्क बन गया. हमारा टैबलेट है, हमने उसको डेस्कटॉप से कनेक्ट किया, अपना डाटा ट्रांसफर कर रहा हूँ अपने डेस्कटॉप से, तो वो क्या है? हमारा एक पर्सनल नेटवर्क है. हम यहाँ से डेस्कटॉप से एक प्रिंटर को कमांड दे रहे हैं, तो प्रिंटर क्या है? हमारा पैन नेटवर्क है. तो क्योंकि विद इन द रेंज, इसको हम रेंज हम जो हम डिसाइड करके इसकी फिक्स रेंज रखी है, वो एज हम ये सपोज करते हैं कि 10 मीटर तक की इसकी रेंज है हमारे पैन नेटवर्क की. पैन नेटवर्क में हम ऐसे डेस्कटॉप को भी कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू वाईफाई से, आपके जो माउस है उसको भी आप कनेक्ट कर सकते हो, थ्रू वायर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं, थ्रू आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं या ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं. आपके हेडफोन कनेक्ट हो सकते हैं, आपका मोबाइल कनेक्ट हो सकता है, आपका टैबलेट कनेक्ट हो सकता है. तो ये सब चीज़ें क्या है? हमारा एक पैन नेटवर्क है. पैन नेटवर्क क्या है? जो हमारा एक पर्सनल टू यूजर, जो एक पर्सनल यूजर का एक पर्सनल नेटवर्क है, उसमें क्या हो? और कोई लिंक नहीं कर सकते हम. जैसे ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो ब्लूटूथ क्या है? हम एक ही को मैसेज भेज सकते हैं, या एक से ज़्यादा को नहीं भेज सकते. शेयर आप जो वाईफाई यूज़ कर रहे हो, आप अगर माउस यूज़ कर रहे हो तो माउस सिर्फ एक ही साथ कनेक्ट रहेगा, दो के साथ तो कनेक्ट रहेगा नहीं. आपका हेडफोन भी अगर है तो एक मोबाइल के साथ ही कनेक्ट रहेगा, आपके दो तीन से ज़्यादा सबसे कनेक्ट नहीं रहता. आपका मोबाइल जो है, हेडफोन जो है, एक ही साथ कनेक्ट रहता है. तो प्रिंटर है आपका, प्रिंटर जो नंबर ऑफ डेस्कटॉप से भी कनेक्ट हो सकता है, और उसके लिए प्रिंटर में हम या तो उसको एक को लैन से दे देंगे और दूसरे को वाईफाई से कनेक्ट कर लेंगे, तो उस केस में हो सकता है. पर एक हम बोल सकते हैं कि पैन नेटवर्क क्या है? हमारा एक पर्सनल नेटवर्क है, जो पर्सनल टू यूजर, जो यूजर के अलावा और कोई यूज नहीं कर सकता उसको, और विद इन द रेंज उसकी 10 मीटर है, स्मॉलेस्ट नेटवर्क है ये. उसके काफी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए. आगे देखते हैं पैन नेटवर्क है क्या? पर्सनल एरिया नेटवर्क. पर्सनल एरिया नेटवर्क में हम उसकी फॉलोइंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ेंगे. इसको फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट पैन नेटवर्क इज द स्मॉलर नेटवर्क विच इज वेरी पर्सनल टू यूजर, जो एक पर्सनल टू यूजर है और क्या है सबसे स्मॉलेस्ट नेटवर्क है हमारा ये पैन नेटवर्क। पैन यूज्ड इन द पर्सनल स्पेस ऑफ ए पर्सन, दैट्स व्हाई इट इज द दिस नेटवर्क इज कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क का जनरली कंसिस्ट ऑफ किससे बना हुआ है, कंप्यूटर से, आपका मोबाइल हो सकता है, आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। डिजिटल असिस्टेंट्स में आप क्या मान सकते हो, जैसे हेडफोन मान सकते हो आप, एयरबड्स मान सकते हो, आपका मोबाइल, आपका टैबलेट कनेक्ट है, उसके साथ आपका प्रिंटर कनेक्ट है, तो ये सब डिजिटल असिस्टेंट्स हम इनको मान सकते हैं। द रेंज ऑफ पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क विद इन द अराउंड 10 मीटर, क्या रेंज है इसकी, हम जो स्मॉलेस्ट नेटवर्क है इसकी रेंज कितनी मानते हैं हम, 10 मीटर तक की मानते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क में इंक्लूड्स ब्लूटूथ एनेबल डिवाइसेस और इन्फ्रारेड एनेबल डिवाइसेस। इन्फ्रारेड में एनेबल डिवाइसेस क्या हो, कौन से हो सकते हैं, जिसमें आपने देखा हो गया होगा जैसे आपका टीवी का रिमोट होता है तो उसमें आपके इन्फ्रारेड रेज से काम करता है वो, जैसे आप उसको अपने सेट टॉप बॉक्स के सामने रखोगे, यहाँ अभी जो नए आए रखे हैं उनमें क्या है आपको इन्फ्रारेड रे क्या वो क्रिएट करता है, तो वो इन्फ्रारेड रे पे काम करता है, तो उन चीज़ों को क्या बोलते हैं, इन्फ्रारेड एनेबल डिवाइसेस। So when we connect two digital devices using Bluetooth for data transfer, then we create a network in our personal space। जब हम Bluetooth अपना ऑन करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना नेटवर्क, ये पर्सनल नेटवर्क है, उसको हम अपने पर्सनल स्पेस में क्रिएट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी दूसरा हमारा डिजिटल असिस्टेंट्स है वो क्या हो, कनेक्ट हो सकता है। ब्लूटूथ डिवाइसेस एग्जांपल, ब्लूटूथ डिवाइसेस की कौन कौन सी एग्जांपल, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड भी आपका ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, आपका ब्लूटूथ एनेबल हेडफोन हो गए, आपका माउस हो गया, स्पीकर, आपने देखा होगा बहुत सारे स्पीकर जो है वो क्या बोलते हैं ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं। इन्फ्रारेड एनेबल डिवाइसेस में कौन कौन से आपके आते हैं, जैसे टीवी का रिमोट आ गया आपका, कॉर्डलेस कीबोर्ड ऑब्लिक माउस, जिसमें कॉर्डलेस का मतलब जिसमें वायर नहीं है, तो कीबोर्ड ऑब्लिक माउस। इन्फ्रारेड टच स्क्रीन आती है जो इन्फ्रारेड आपकी, जिससे टच से आप काम करते हो, तो वो सब क्या है पैन नेटवर्क है। पैन नेटवर्क क्या करेगा, जैसे आप ब्लूटूथ ऑन करोगे तो हमारा एक नेटवर्क बनाएगा हमारे पर्सनल जो 10 मीटर के अंदर अंदर, तो उस नेटवर्क से क्या करेगा हमारा कोई भी डिजिटल असिस्टेंट जो है वो हम कनेक्ट कर सकते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, पैन नेटवर्क बोलते हैं। एडवांटेज पैन नेटवर्क की कौन कौन सी है, एडवांटेज ऑफ पैन इंक्लूड पैन नेटवर्क आर रिलेटिवली सिक्योर एंड सेफ कम्युनिकेशन। सिक्योर तो है ही, क्योंकि हम एक पर्सनल स्पेस में किसी को अनऑथराइज को हम उसमें आप एंटर नहीं होने नहीं दे रहे। ब्लूटूथ में देखा होगा कि आपने जैसे ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं मोबाइल के साथ, तो ये क्या मांगता है आपसे, परमिशन मांगता है कि आप इस डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हो या ब्लॉक करना चाहते हो। अगर आप ब्लॉक कर दोगे तो वो क्या हो आपके साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। तो ऐसे ही आपने वो देखा होगा कि आपका एयरबड्स हैं, एयरबड्स भी कनेक्ट होने से पहले क्या होगा, आपसे जो फर्स्ट कनेक्शन करोगे तो उसमें क्या होगा, पेयर एक पासवर्ड भेजेगा, वो पासवर्ड आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने मोबाइल से। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करके ब्लॉक करते हो तो आपका ब्लूटूथ वो कनेक्ट नहीं करेगा, तो फिर उसको दोबारा आपको सेटिंग में जाके उसको कनेक्ट करना पड़ता है। तो इस प्रकार बोल सकते हैं कि प्योर रिलेटिवली बहुत सिक्योर नेटवर्क है और सेफ कम्युनिकेशन है, इसमें तो कोई अनऑथराइज एक्सेस नहीं हो सकता। पैन ऑफर ओनली शॉर्ट रेंज सोल्यूशन अप टू 10 मीटर। पैन नेटवर्क जो हम क्या बोलते हैं सबसे स्मॉलेस्ट नेटवर्क बोलते हैं, जिसकी हम रेंज मैक्सिमम से हम मैक्सिमम रेंज उसकी कितनी मानते हैं, हम 10 मीटर तक मानते हैं। अब स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड टू ए स्मॉल एरिया, ये क्या है स्मॉल एरिया का नेटवर्क है, इससे ज़्यादा ये क्या बोलते काम नहीं करता, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम रिस्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड। ये इसका एडवांटेज भी हो सकता है कि स्मॉल एरिया नेटवर्क है, और स्मॉल एरिया नेटवर्क तो फास्ट भी है आपका, सिक्योर भी है, सेफ भी है, पर यही इसका डिसएडवांटेज हो सकता है कि ये कम नेटवर्क है, बहुत शॉर्टेस्ट नेटवर्क है, इसलिए इसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है। और डिसएडवांटेज देखेंगे, डिसएडवांटेज में क्या आ गया, डिसएडवांटेज ऑफ पैन इंक्लूड पैन में एस्टेब्लिश ए बैड कनेक्शन टू अदर नेटवर्क एज अ सेम रेडियो बैंड। अगर सेम रेडियो बैंड पे कोई कनेक्शन आप एस्टेब्लिश करते हो तो उसके लिए क्या बोलते हैं, इसमें स्लो कनेक्शन होता है, जहाँ तो ये एक्सेप्ट नहीं करता, जहाँ तो एक्सेप्ट करेगा तो बहुत स्लो कनेक्शन रहता है, क्योंकि दो नेटवर्क सेम नेटवर्क पे सेम जो फ्रिक्वेंसी पे काम नहीं कर पाते। डिस्टेंस लिमिट, डिस्टेंस की एक लिमिट है, जैसे आप ईयरबड्स यूज़ कर रहे हो, आपने कहीं जिम में यूज़ कर रहे हो, जहाँ आप ऑफिस में यूज़ कर रहे हो, तो ईयरबड्स को कोई एक डिस्टेंस की एक लिमिट है, जैसे आप उस लिमिट में उसके नेटवर्क के उस पैन नेटवर्क के अंदर आप रहोगे उसके ईयरबड्स के, तो आपको जो है म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो आपका अच्छा चलेगा। बस जैसे आप उस नेटवर्क से बाहर निकल जाओगे तो आपने देखा होगा कि बीच में से आवाज़ रुक जाती है, कभी कभी क्या वो बिल्कुल बंद ही हो जाती है। और उस नेटवर्क से हम बाहर ज़्यादा देर रहते हैं तो वो नेटवर्क हमारा क्या है स्विच ऑफ हो जाता है। तो ये पैन नेटवर्क का क्या डिसएडवांटेज है कि वो जिसका डिस्टेंस की एक लिमिट है, उस लिमिट से ज़्यादा हम उसमें नेटवर्क नहीं इस्टेब्लिश कर सकते, आप कनेक्शन नहीं इस्टेब्लिश कर सकते। Okay friends, thanks for watching my video and please like, share and subscribe my channel. Next video में हम कैंपस एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, इन पे एक कंबाइंड वीडियो लेके आएंगे। जो भी नेटवर्किंग अभी बची है जो ना, उन पे कंबाइंड नेटवर्क लेके आएंगे, जिससे एक थोड़ा सा टच देंगे आपको कि जैसे आपको पता लगे कि ये है क्या। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।